आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज सूडोपोडिया आर फाउंड इन ब्लैंक एंड हेल इन। तो सूडोपोडिया हमें कहाँ पर, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं और वो उनका फंक्शन क्या है? सिंपली ये पूछा गया है। नंबर फर्स्ट अमीबा, और स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम, और फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है अमीबा, फेगोसाइटोसिस, पैरामीशियम एंड लोकोमोशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटिस्टा खंडम की, जिसके अंदर हमारे सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं, और प्रोटिस्टा किंगडम का हमारा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआंस। और प्रोटोजोआन के अंदर आते हैं हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ओके, अमीबॉइड प्रोटोजोआन। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। कहाँ रहेंगे? फ्रेश वाटर या सी वाटर या जो मॉइस्ट सॉइल है वहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मूव करते हैं एंड कैप्चर, किसको कैप्चर करेंगे? कैप्चर देयर प्रे। और किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ओके, तो ये हमारा सूडोपोडिया का फंक्शन है। और सूडोपोडिया को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फीट। तो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये हमारा अमीबा है, और ये कैसे फूड को कैप्चर करता है? तो यहाँ पे ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये सूडोपोडिया है, तो फूड को कैप्चर करता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी उसके बाद, और फिर वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। तो ये स्टेप है हमारे इंजेशन, देन डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया अमीबा, लेकिन उसके साथ दिया गया स्विमिंग, तो ये स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर जो सूडोपोडिया हैं वो नहीं पाए जाते। ये हमारा स्पोरोजोआन का एग्जाम्पल है, जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड ऑप्शन इज अमीबा एंड फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो थर्ड हो जाएगा, अमीबा के अंदर होंगे और फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरामीशियम एंड लोकोमोशन। तो पैरामीशियम हमारा एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोआन का, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अमीबा के अंदर पाए जाएंगे, और ये पूरी प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगी? फेगोसाइटोसिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।